मेरा प्रॉब्लम प्लेटलेट्स का था। मेरे बॉडी में प्लेटलेट्स बहुत कम रहती थी, उससे मेरे को इतनी थकान आती थी। तो मतलब मैं घर के सारे लोग उससे डिस्टर्ब रहते थे, मैं डिस्टर्ब रहती थी। और ये फैमिली में आने के बाद मेरी इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई है कि मैं अभी पूरा दिन खड़े रह के काम कर सकती हूँ। वेरी गुड, बहुत और बढ़िया। पिछले महीने मैं घूमने गई थी, आने के बाद मैंने मेरी प्लेटलेट्स चेक की। मेरी प्लेटलेट्स जो कि 40,000 रहती थी, 2 साल तक रही। तो पिछले महीने मैंने चेक की थी, मेरी प्लेटलेट्स 2.5 लाख हो गई। आई एम वाह, शॉकिंग। यस, मतलब मेरे को भी इमेजिन नहीं हुआ कि इतना मेरा चेंज होगा। और इतना चेंज होने के बाद इतनी फैमिली में सब इतने हैप्पी हैप्पी रहते अभी, कि वो सब सोचते अभी मम्मी को कोई तकलीफ नहीं। यस, मतलब उनको ऐसे लगता था कि कुछ ज्यादा काम कर लिया, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी में प्लेटलेट्स कम होती है। वो सब उनको हमेशा ऐसे, जैसे बोलते ना कि सर पे टांगती तलवार रहती, प्लेटलेट्स कम होंगे तो क्या हो क्या होगा, वैसे उनको हमेशा डर रहता था। तो हमेशा हर हर फैमिली में तू यहाँ मत जा, तू ऐसा मत कर, तू ये मत खा, तेरे को इन्फेक्शन होगा, फिर हमको तकलीफ होगी। मतलब वो तेरे को तकलीफ हुई, हमको देखे नहीं जाएगा, ऐसे हमेशा हर लोग बोलते थे मेरे को। पर ये मैं तो थैंक यू अंजलि मैम को बोलूंगी, सचिन सर को बोलूंगी कि जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। मैं आज 1.5 साल से इतनी फिट हूँ, और अभी मैं कल महालक्ष्मी का सब अच्छे से खाना खाई, सब मीठा मीठा। मैं बोली नहीं, आज महालक्ष्मी का महाप्रसाद है, मैं सब खाऊंगी, सब यस, खाई, मेरे को कोई तकलीफ नहीं रही मैम। बहुत बढ़िया। सब इतने हैप्पी थे। तो मैं ये बार बार अंजलि मैम को थैंक यू बोलूंगी जिन्होंने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया। और मेरी हर चीज में इम्यूनिटी बढ़ गई। जो पहले मैम ने मेरे को 10 10 पॉइंट बताए, उसमें से मेरे पहले 2 ही पॉइंट, आज मेरे 6 पॉइंट बढ़ गए। पर अभी मैं और कोशिश करूंगी कि मेरे वो 4ों भी पॉइंट बढ़ जाए, मैं सब अच्छे होंगे। और मैं 1 साल से ये अपना फ्यूल ले रही, मैजिक। मैंने इनिशियली आपका रिजल्ट सुना था मैम, आप कैसे तकलीफों से गुजर रहे थे, और 40,000 से 2.5 लाख प्लेटलेट, ये तो पूरा मैजिक ही है। और रियली आपको मैंने आपके फेस में अभी आप बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे, आपने बहुत दिनों बाद बात किया है और बहुत काफी चेंजेस हुए हैं। यस, बहुत तो बढ़िया। मैम मेरे को वो प्लेटलेट्स की बहुत तकलीफ थी। मतलब मैं एक एक फुल्का भी डाली तो मैं आके बैठ जाती थी, इतनी थकान रहती थी मेरे को। यस, बहुत ज्यादा भी तो। और सबको ऐसे डर लगता था कि इसको कब एडमिट करना पड़ेगा प्लेटलेट्स के लिए, कब नहीं, ऐसे। और बाहर का प्लेटलेट्स लेना तो फिर वो डर इन्फेक्शन का, इसलिए मैं बाहर का ब्लड भी नहीं चढ़ाती थी, तो घर में ही पड़ी ही रहती थी ऐसे दिन भर। यस, अगर सोचते तो भी आंख पे रोंगटे खड़े होते और हम लोग ये सारी चीजों से। और वो टाइम ऐसे सब लोग बाहर जाते थे, बाहर घूमने जाते थे, मेरे को ऐसे हर चीज करना मालूम होता था पर मैं कर नहीं पाती थी। और वो दवा के कारण फिर मेरे को हर कोई डॉक्टर स्टीरॉयड देते थे, क्योंकि वो प्लेटलेट्स कंट्रोल में रहना। और स्टीरॉयड से मेरा वेट 92 kg हो गया था मैम। और अभी कितना है मैम आपका वेट? अभी मेरा 78 है मैम। बाप रे, मैंने मतलब ये, और ये सब वेट मैंने ये फैमिली में आके कम किया है। और यस, हर चीज मैं पहले खाती थी, मतलब सब पढ़ते थे हम ये ऐसे खाना ऐसे खाना, पर जो प्रॉपर वे रहता बताने का, प्रॉपर वे खाना खाने का, वो नहीं मालूम था मेरे को। ये सब ये यहाँ आके सीखा है मैंने, खाते मतलब हर चीज से। हाँ, कितना केजी टोटल रिड्यूस किया आपने? वेरी मैंने 12 किलो वेट कम किया मैम। गुड, बहुत बढ़िया। 12 kg का बहुत बड़ा फैट लॉस होता है, और उसके साथ मतलब वेटी ब्रेकफास्ट का और क्या हेल्प हुआ आपको, मतलब और क्या चेंजेस हुए? मेरा वेट और मेरी इम्यूनिटी बढ़ गई। और जो मेरा यहाँ आके मैं सबसे, मतलब जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था और बात करने का तरीका था, ये सब बहुत ऐसे चेंज हो गया। और हेल्थ वाइज तो बहुत प्रॉब्लम थे मेरे को, वो भी सब चेंज हो गए। मैंने एक्चुअली हेल्थ वाइज पहले वेट कम करने के लिए ये सेशन ज्वाइन किया था, पर जैसे जैसे मैं लेती गई तो मेरे को अंदर के मेरे पहले जो प्रॉब्लम थे वो समझ में आ रहे, अपने को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो वो सब कम होते गए मेरे प्रॉब्लम धीरे धीरे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुषमा मैम। और रियली हेल्थ और हैप्पीनेस आपके लाइफ में लास्ट तक बना रहे, और बहुत और आपको आज मैं ले रही, मेरी वजह से मेरी फैमिली के 6 लोग खुश है, वो भी ले रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूं मैं। यस, अभी तो ये दिवाली में भी आपको बहुत बढ़िया दिखना है,
और ये जो हमारा थीम है कि ये दिवाली में आपको कैसे दिखना है, लास्ट दिवाली के और ये दिवाली के फोटो हम लोग को कंपेयर करना है और रैली खुश। थैंक यू अंजलि मैम, मुंडवाडकर मैम, थैंक यू सचिन सर, यस अपने कोच को कविता मैम। मैं बार बार मतलब ये भगवान की जैसे मेरी इसमें लाइफ में आए हैं तो मैं इनको बार बार थैंक यू बोलती हूँ। अगर ये नहीं आते तो पता नहीं मेरा वेट कहाँ तक जाता था। यस हमारे सचिन सर को रियली जितना थैंक यू बोले उतना कम है, और आपके कोच को कभी नहीं भूलना है, इन्होंने आपको ये दूसरा लाइफ दिया है। Yes, नहीं नहीं मैम, मैं उनको कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। बहुत प्राउडली बताना चाहती हूँ कि ज्यादा लोगों को हेल्प करने के लिए हमारे सर को अवार्ड भी मिला है, और उन्होंने उनको मतलब बहुत सराहा गया है, और इतना प्राउड लगा ना तब, और सच में ये दिल तक एक हार्ट से काम किया है, और ये सारा फीलिंग अंदर से आता है। तो रियली हम लोग बहुत लकी है, ये फैमिली के बारे में हमको पता चला है बहुत सालों बाद, और जो लोग